2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक और सर्वे सामने आया है जिसने सभी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, खास तौर से बीजेपी की। सर्वे में सभी 543 सीटों पर जनता की राय ली गई, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है। सर्वे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हैं, क्योंकि सर्वे में पिछली बार के मुकाबले इस बार बीजेपी को कम सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि सर्वे में यह भी साफ है कि 2024 में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि आखिर किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना है और क्या इंडिया गठबंधन एनडीए को 2024 में टक्कर दे पाएगा या नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। ओपिनियन पोल के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को 318 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 175 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 50 सीटें जाने का अनुमान है। बीजेपी को 290 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 66 सीट मिल सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303, कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। राज्यों के हिसाब से बात करें तो देश के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कोई भी टक्कर देता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ बीजेपी को 70, समाजवादी पार्टी को 4, कांग्रेस को 2 और अपना दल को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में एनडीए को 73 और इंडिया गठबंधन को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार के 40 सीटों में से एनडीए को 24, इंडिया को 16 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए को 24, इंडिया को 24 सीटें मिलने का अनुमान है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ कुल 39 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 9, इंडिया को 30 सीटें मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में एनडीए अलायंस को 12, इंडिया अलायंस को 30 सीटें मिलने का अनुमान है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक में एनडीए को 20, इंडिया को 7 और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान है। गुजरात में बीजेपी सभी 26 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, यानी यहां की सभी सीटों पर एनडीए जीत दर्ज कर सकती है। केरल की 20 सीटों में से इंडिया अलायंस सभी 20 सीटें जीत सकती है। राजस्थान में एनडीए को 21, इंडिया अलायंस को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां की सभी 25 सीटें न तो एनडीए को ही मिलेंगी और न ही इंडिया के खाते में आने का अनुमान है। मतलब यहां अन्य पार्टियां जो अभी तक किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, उनको ये सीटें जाने का अनुमान है। ओडिशा की अगर बात की जाए तो यहां एनडीए को 8 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 13 सीटें जा सकती हैं, जिनमें बीजू जनता दल प्रमुख है। इसके अलावा यहां इंडिया का खाता भी नहीं खुलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एनडीए शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 24 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस यहां 5 सीटें जीत सकती है। अगर तेलंगाना की बात की जाए तो यहां एनडीए 6, इंडिया के खाते में 2 और अन्य के खाते में कुल 9 सीटें आने का अनुमान है। असम की बात की जाए तो यहां भी एनडीए का प्रदर्शन अच्छा होने की उम्मीद है। यहां एनडीए के खाते में 12 सीटें, जबकि इंडिया के खाते में महज 1 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट मिलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ की बात करें, जो कि एक कांग्रेस शासित राज्य है, तो यहां पर अगर बात की जाए तो बीजेपी को 7 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 सीट आ सकती है। झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में बीजेपी को 13 और इंडिया अलायंस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। हरियाणा में बीजेपी को 8 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस 2 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस में ही सीधा मुकाबला है, उनमें हरियाणा एक है। पंजाब में एनडीए 0, यानी पंजाब में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए का खाता खुलना भी मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने का अनुमान है। ऐसे में इंडिया को कुल 13 सीटें मिलने का अनुमान है। इस बार दिल्ली में अलग समीकरण देखने को मिल सकता है। पिछले 2014 और 2019 में यहां की 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार ये आंकड़े कुछ बदलते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटों में से बीजेपी यहां 5 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें आने का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी सभी 5 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर बात की जाए तो यहां एनडीए के खाते में 3 सीटें आने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और 1 सीट पर अन्य उम्मीदवार जीत दर्ज कर सकता है। मणिपुर की 2 सीटें इंडिया अलायंस को जा सकती हैं। गोवा में एनडीए के खाते में 2 और इंडिया अलायंस को यहां 0 सीट मिलने का अनुमान है। ओपिनियन पोल में कुल 543 सीटों का सर्वे किया गया है, इनमें एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। एनडीए कुल 318 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। इंडिया अलायंस को 175 सीट पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य 50 सीटें निर्दलीय उम्मीदवार या अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।